हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, ये काफ़ी जटिल और दुविधा में डालने वाला क्वेश्चन है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हायर एजुकेशन जैसे मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी का एक अपना अलग रुतबा है और हमारी समाज व समस्या के प्रति बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सुव्यवस्थित आकार तथा तर्क शक्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण तो रोल अदा करता है। जॉब अपॉर्चुनिटी के विस्तार के साथ साथ समाज में आपकी काबिलियत और योग्यता को भी सराहा जाता है। ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऐसे विकल्प हैं जॉब के लिहाज से, या फिर फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं उस लिहाज से क्या कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को मैं आपके समक्ष या एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं आप। अगर आपने बीए किया है तो आप एमए कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो उसी के आधार पर कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और 2 साल की मास्टर डिग्री आपके पास होगी और मास्टर डिग्री से आपके पास विकल्प और खुल जाएंगे। एमएससी अगर करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपकी बीएससी होना आवश्यक है। बीकॉम है तो एमकॉम कर सकते हैं आप। कॉमर्स स्ट्रीम में आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं। बीटेक है तो आप एमटेक कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं, टीचिंग में आपका शौक है, इंटरेस्ट है, स्कूल लेवल में टीचिंग के लिए आपको ग्रेजुएट होने के साथ साथ बीएड होना आवश्यक है। आपकी बीएड भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं और बीएड के बाद आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का। सेंट्रल लेवल का टेट क्वालिफाई करने से आप पूरे देश में किसी भी सेंट्रल स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे आप लोग। जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट लेवल में आप जॉब चाहते हैं स्कूल लेवल में, तो आपको स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई करना होगा। साथ ही साथ अगर आप हायर एजुकेशन में जॉब लेना चाहते हो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में, तो एमए अच्छा विकल्प हो सकता है। आप एमए कीजिए और एमए के साथ साथ आप सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप सेट और नेट क्वालिफाई करते हैं, सेट क्वालिफाई करने से स्टेट लेवल पे आप किसी भी कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में भी। और नेशनल लेवल में जॉब लेने के लिए आपको नेट होना ज़रूरी है और आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। कभी भी रिक्रूटमेंट्स होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए के साथ साथ आप एमफिल पीएचडी भी कर सकते हैं। फर्दर एक आपके पास बेहतरीन विकल्प है। रिसर्च के लिहाज से देखा जाए तो आपके नए नए विकल्प आपके सामने आएंगे और उसके आधार पर आप कहीं भी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या हायर एजुकेशन में जहाँ भी कोई इंस्टीट्यूट होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में, वहाँ भी आप एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। लैंग्वेज जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में अगर मास्टरी है आपकी तो ट्रांसलेटर के रूप में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। पर आपकी 2 भाषाओं में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जॉब के लिहाज से देखें तो कई विकल्प आपके सामने हैं। उन विकल्प पर बात करने से पहले एक बार और क्लियर कर दूं कि स्कूल लेवल में, प्राइमरी स्कूल में जॉब लेने के लिए सेंट्रल लेवल में आपकी बीएड होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आप सेंट्रल लेवल का टेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। लेकिन स्टेट लेवल में जेबीटी या इस तरीके का जो कोर्सेज हैं जो प्राइमरी स्कूल लेवल के लिए कराए जाते हैं वो होना आवश्यक है। आप स्कूल जो मिडिल और हाई स्कूल के लिए आप टीजीटी, बीएससी,
कि जॉब लेने के लिए आपका बीएड और ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और प्लस टू लेवल में जॉब लेने के लिए आपकी मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना आवश्यक है। ये क्लियर हो गया। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में जॉब के लिए आपका एमए सेट और नेट होना आवश्यक है। अगर आप इस ड्यूरेशन में जॉब के साथ साथ आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं जॉब कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ, तो फिर आप एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। ये एक अलग से एडवांटेज जो होगा आपके पास। अब ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से जॉब्स के विकल्प आपके पास होते हैं, कौन कौन से जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लरिकल लेवल के कोई भी जॉब्स होगा किसी भी डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग में आप क्लरिकल और पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी में स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल में दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट्स में ज़्यादातर ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है क्वालिफिकेशन के लिहाज से। यूपीएससी के विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम भी इसमें आ सकता है। आप आईएएस ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए भी ग्रेजुएशन है। और स्टेट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्टेट लेवल में एसटीएम, तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स के रूप में जो पोस्टिंग होती है उसमें भी आप एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएशन के बिहाफ पे आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी रिक्रूटमेंट्स निकलती है, हर साल रिक्रूटमेंट्स निकलती है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबॉर्डिनेट पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के लिए भी आप, रेलवे के विभिन्न पदों के लिए भी आप एलिजिबल हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट से, इसमें विभिन्न पदों के लिए भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हैं। अलाइड के से जुड़े हुए विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी, पुलिस आदि में विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको जनरल स्टडी, रीजनिंग, अरिथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर में आपको महारत हासिल करनी होगी, और लगातार स्टडी आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत क्रूशल है। एक लिस्ट में आपके सामने ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में आफ्टर ग्रेजुएशन इंडिया में कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई या किसी भी बैंक्स में आप पीओ और क्लरिकल के लिए एलिजिबल हो। एलआईसी के विभिन्न पदों के लिए आप एलिजिबल हो, किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई में भी विभिन्न पोस्ट निकलती है, जो देश का सेंट्रल बैंक है, जो पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। इस अथॉरिटी इसके पास अथॉरिटी है, और इसमें भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भिन्न भिन्न पद होते हैं इसमें भी, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लाखों कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। आप रीजनल रूरल बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लंबी श्रृंखला है। ग्रेजुएशन एक आपके बेस है, आपका आधार है, जहाँ से आपके लिए नए सेक्टर, नए द्वार खुलते हैं। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप एमए कीजिए। अगर आप प्लस टू और इससे ऊपर की जॉब चाहते हैं, लेकिन इससे कम की जॉब चाहते हैं, तो आप बीएड कीजिएगा, एक अच्छा विकल्प आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट।